हाँ श्याम भाई, आप मेरठ में एनडीटीवी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सुना है कि आजकल आप कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग के फील्ड में, तो ये क्या है, किस तरह से ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ, आपने ठीक कहा यशवंत जी। मैं 2004 में यहाँ एनडीटीवी में आया था और लगभग 10 साल ही मुझे एनडीटीवी से जुड़े हुए जा रहे हैं, और उससे पहले बाकी चैनल्स में भी रहा, तो लगभग 13-14 साल मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो गए हैं। जी और अभी पिछले 1.5-2 साल से मैं एनर्जी हीलिंग के फील्ड में आया हूँ, और लास्ट 6 मंथ से मैं इसको प्रोफेशनली भी अब मैंने अडॉप्ट कर लिया है। और इसके अंदर बहुत सारे विधाएं हैं, जिसमें रेकी एक बहुत प्रचलित विधा है, प्राणिक हीलिंग है। तो मैंने इसमें 2-3 विधाएं सीखी हैं, और उन सब का मिक्सर करके जहाँ जैसा सुटेबल होता है, मैं एनर्जी से पहले अपने संगी साथियों का, परिवार का, और धीरे धीरे अब मैं सोसाइटी में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं काफ़ी लोगों का इलाज कर रहा हूँ। और एनर्जी हीलिंग, तो मैं ये देखता हूँ कि आज तक मुझे कोई ऐसा फील्ड मिला ही नहीं जहाँ पर एनर्जी हीलिंग से हम नतीजे ना पा सकते हैं। अभी बता दो, कोई स्टूडेंट से किसी कुछ लोगों ने संपर्क किया आपसे एनर्जी हीलिंग के लिए, क्या था हाँ, मामला? विदेशों में मेरे कई क्लाइंट हैं, एक स्वीडन में है, एक लंदन में है, एक सिंगापुर है, और ये लोग जब मैं इनके लोकल में, जैसे मैं इंडिया में किसी को हील करता हूँ और उनके अच्छे नतीजे आते हैं, तो ये फिर वो अपने विदेशों में जो लोग बैठे हैं उनको बताते हैं, तो वो लोग फिर मेरे से संपर्क करते हैं, और उनको मैं यहाँ से जब हीलिंग भेजता हूँ तो इतने अच्छे नतीजे आते हैं कि वो लोग लगातार जुड़े हैं और मुझे बाकायदा पैसे भेज रहे हैं। तो इसको मैं धीरे धीरे प्रोफेशनली भी अडॉप्ट करता जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मेरा बहुत ब्राइट फ्यूचर अब आ रहा है। जनरली किस तरह की लोग समस्याएं लेके आते हैं, मतलब बताते हैं आपको जो क्या प्रॉब्लम बताते हैं, एक बार थोड़ी कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, आज की डेट में तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर डॉक्टर की सीमाएँ ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ के बाद एनर्जी हीलिंग की सीमाएँ हैं। जहाँ पर पंडितों की और एस्ट्रोलॉजर्स की और जितने भी बाकी पैथी हो सकती हैं किसी भी कष्ट को, रोग को समाप्त करने की, वो ख़त्म होती है, तो उसके बाद एनर्जी हीलिंग के ऑप्शन बचते हैं। और लोग आते हैं फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है, रोग होते हैं शरीर में, उनको लेकर के आते हैं, मैं जब उनकी बैकग्राउंड में जाता हूँ, क्योंकि मेरा देखने का नज़रिया एकदम अलग हो जाता है। मैं फिजिकल बॉडी को नहीं देखता हूँ, मैं उसके पीछे जो एनर्जी बॉडी होती है उसको देखता हूँ, एनर्जी बॉडी में जो कारण छुपे हुए होते हैं उस समस्या से संबंधित उसको देखता हूँ। तो वो ज़्यादातर मामले मैंने ये पाए हैं वो साइकिक अटैक से होते हैं। साइकिक अटैक में मैं ये देख रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा जो हमारा समाज है वो साइकिक अटैक को झेल रहा है, लेकिन हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो साइकिक अटैक को अंधविश्वास कह करके उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता है, तो वो इससे थोड़ा सा मतलब जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूर रहते हैं, लेकिन मजबूरी झेलते हैं उसको, उसकी समस्याओं को झेलते हैं, और उन रोगों को लेकर के डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन उनको नतीजा और फायदे नहीं मिलते हैं। आप कैसे आए इस फील्ड में, मतलब शुरुआत कैसे हुई, मतलब किस क्यों लगा कि ये आप बनाना चाहिए? देखिए, वैसे तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मैं खुद साइकिल अटैक का बीमार रहा हूँ सब कुछ है, लेकिन ये मतलब मेरे कड़वा सच है कि मेरा परिवार कई सालों से साइकिल अटैक का एक विक्टिम रहा है, और परिवार आपका? जी, मेरा परिवार और मैं खुद भी रहा हूँ। और साइकिल अटैक की वैसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे शरीर में रोग लग जाते हैं, जी आपको तरक्की नहीं मिलती है, और आपका माइंडसेट अच्छा नहीं रहता है, डिस्टर्ब रहने लगते हैं, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारे फैक्टर्स लाइफ में आने लगते हैं। जी और कुछ जो शारीरिक रोग हैं उनके इलाज तो डॉक्टर्स के पास होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं होते। तो उसके बाद मैं अपने कवरेज करते करते मीडिया की, एक अब से 3 साल पहले करीब मेरठ यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग में एक 7 दिन का वर्कशॉप था, सेमिनार था, उसका टॉपिक था साइकोथेरेपी, जी वर्कशॉप ऑन साइकोथेरेपी। तो उस वर्कशॉप को जब मैंने अटेंड किया तो उसके अंदर रेकी, प्राणिक हीलिंग, पुनर्जन्म, इन चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल रही थी। तो मैं एक दिन अटेंड करने के लिए गया था जस्ट कवरेज के लिए, लेकिन मैंने कैमरा उठा के रख दिया और मैं 7 दिन पूरा मैंने उसको अटेंड किया। वहाँ से मुझको आइडिया मिला कि
जो साइकिक अटैक के मैटर हैं, ये कोई जादू टोना तंत्र मंत्र के जो हमारे देश में जो इन्हें एक एक मतलब कन्फाइन कर दिया है कि केवल इन्हीं का मैटर है, ये वो नहीं है। इसके पीछे साइंस है, बाकायदा साइंस है। तो उस साइंस को मैं फॉलो करते करते आज यहाँ पहुँचा हूँ कि मैंने रेकी की मास्टर डिग्री हासिल कर ली है। इसके अलावा ये दिल्ली में प्रीतमपुरा में रेकी हीलिंग फाउंडेशन है, तो वहाँ से मैंने किया है। इसमें अलग अलग कोर्सेज हैं, तो कुछ कोर्स अंडर 10,000 हैं, कुछ कोर्स अबव 30,000 भी हैं। तो इसके अलावा मैंने 3-4 सेंटर्स से रेकी और एंजल हीलिंग के कोर्सेज किए हैं, डाउजिंग का कोर्स किया है, पुनर्जन्म का कोर्स किया है। इस तरीके के बहुत सारे कोर्स हैं जो एनर्जी से ही रिलेटेड हैं, तो उन सबको मैं जोड़ करके फिर एक फाइनल टच देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मीडिया के साथी भी अक्सर परेशानी में रहते हैं, दिक्कतों में रहते हैं, कई बार जाप ली जाती है, असुरक्षा बोध होता है। जी जी। तो मीडिया के लोगों का भी मतलब कुछ भला कर सकते हैं आपने इस प्रक्रिया के? बिल्कुल, भला तो मतलब ना सिर्फ मानव जाति, कोई जीव जंतु ही क्यों ना हो, इवन वनस्पति क्यों ना हो, एनर्जी हीलर के पास इतनी ताकत होती है कि अगर कोई पेड़ सूख रहा है और उस पेड़ को वो आशीर्वाद दे के चला जाए तो वो पेड़ हरा हो जाता है। और सड़क पे कितनी बार ऐसा होता है, साइंटिफिक है, बिल्कुल ये साइंटिफिक। देखिए, अब हमारा देश के जो साइंटिस्ट हैं वो अड़ियल रवैया अपनाएं तो ये एक अलग बात है, अदरवाइज चाइना, जापान और बाकी यूके यूएस में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो रेकी के कोर्स करा रही हैं। और हम लोग भी जब कोर्सेज करते हैं तो हमको बायदा सर्टिफिकेट मिलते हैं और हम ऑथराइज हैं क्लिनिक चलाने के लिए। और जब नेचुरोपैथी के क्लिनिक्स चल रहे हैं देश में, तो रेकी के भी बहुत लोग क्लिनिक चला रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। बिल्कुल, तो है काफी कुछ, लेकिन ये समझ समझ का फेर है कि कौन उसको साइंटिफिकली ले पाता है और कौन उसको अंधविश्वास कह के इग्नोर कर देता है। क्या भड़ास को भी रेकी की जरूरत है, मतलब आपकी एनर्जी हीलिंग की जरूरत भड़ास वालों को भी है, भड़ास को भी है? देखिए, वही बात के जैसे भी आपने मीडिया के साथियों के लिए कहा था, क्योंकि मीडिया में भी मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग मीडिया को बाहर से देख करके आते हैं कि बड़ा एक जादुई दुनिया है, ग्लैमरस दुनिया है। और जब आ जाते हैं तो ऐसे फंस जाते हैं कि निकल सकते हैं ना, उसमें कुछ कर सकते हैं, तनाव अलग रहता है, पैसा कमा नहीं सकते हैं, नंबर दो से पैसा कमाते हैं तो बदनामी है, बहुत सारे डर हैं और मजबूरी में हम पिसते रहते हैं उसके अंदर। तो वहाँ पर भी अगर हम लोग एनर्जी हीलिंग लेते हैं तो हमारे अच्छे आउटपुट्स आ सकते हैं, हम अच्छी विकट परिस्थितियों में तनाव नहीं लेंगे। इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि ये हमारे ऑरा में जाकर के काम करता है और हमारे ऑरा को इतना एक्सपेंड कर देता है कि अमूमन मैंने देखा है कि आदमी, किसी भी व्यक्ति का ऑरा 5 से 10-15 मीटर तक का होता है और जो एनर्जी ट्रीटमेंट लेते हैं उनका ऑरा जो है वो 500 मीटर 1000 मीटर तक चला जाता है। ऐसे लोगों से जो मुझे फीडबैक मिलता है वो बताते हैं कि हम कितना भी काम करते रहे हमको थकान नहीं होती है। पहले वो अगर 6 घंटे 7 घंटे सोते थे तो अभी 3 घंटा सोते हैं और वो 17-18 घंटा काम करते हैं और घूमते हैं, बाकी काम करते हैं, तो उन्हें थकान नहीं होती। जो हाउस वाइफ्स हैं, महिलाएं हैं, वो कहती हैं कि हमने अपनी नौकरानियां हटा दी, हमें एक तो मजा आता है काम करने में क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, अब वो हर चीज को पॉजिटिव वे में देखते हैं। तो उसी तरीके से जो आपने कहा कि भड़ास को जरूरत है, तो भड़ास तो एक आईना है बहुत बड़े समाज का। तो अगर भड़ास को हम रेकी देकर के कुछ भड़ास में कुछ नया लाएंगे तो इसका मतलब हो सकता है कि हम उसके पीछे जो समाज है उस पूरे समाज में हम रेकी भेजेंगे, एनर्जी भेजेंगे और उस पूरे समाज का कुछ ना कुछ भला होगा। बिल्कुल। चलिए, मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप जो आप सोच रहे हैं इस पूरे विज्ञान और जो कर रहे हैं आप, उसके बारे में विस्तार से लिखिए एज ए जर्नलिस्ट जो है, चूँकि आपके पास लिखने की भी कला है, तो इसको थोड़ा और बड़े पैमाने पर हम लोगों तक प्रचारित करें। और बीच में ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, जैसे संजय आपने बहुत सही मुझे एक आइडिया दिया कि चूंकि मैं बहुत लंबे समय से एनडीटीवी से जुड़ा हूँ, कई बार ऐसे मौके आए कि जब पुनर्जन्म की घटनाएं हुई और मैं उनकी कवरेज करने जाता था तो मैं अपने असाइनमेंट पे बात करता था कि ये पुनर्जन्म की खबर है, क्या इसको मैं फॉलो कर लूँ, तो वहां से मुझे मना हो जाती थी कि नहीं, हमारा चैनल जो है वो पुनर्जन्म की खबरों को फॉलो नहीं करता। लेकिन मेरे मन में ये रहती थी भावना कि यार ये कुछ तो लिंक है, ये आदमी छोटा सा बच्चा अगर बता रहा है और हम दूसरे गांव में जाकर देख रहे हैं और सेम चीज वहां फॉलो कवर किया है। हाँ, मैंने बहुत सारी पुनर्जन्म की घटनाएं कवर की के पर्सनली रख ली हैं, मुझे लगता था कि यार मैं इसमें कुछ करूंगा इन फ्यूचर, और अब मुझे लगता है कि उसमें बहुत कुछ है क्योंकि अब तो मैं पुनर्जन्म देख सकता हूँ, दूसरों को दिखा सकता हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे देश में, विदेश की तो मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन हमारे देश में इस तरीके की जो घटनाएं हैं
और जो एनर्जी हीलिंग है या साइकिक वर्ल्ड जो है, साइकिक दुनिया जो है, इसको मीडिया अप्रूव नहीं करता है, फॉलो नहीं करता, और अगर फॉलो करता है तो सनसनी वाले अंदाज में, एक डराने वाले अंदाज में, एक मतलब बेकने वाले अंदाज में कि बस उन्हें आधा घंटा बेकना है और उसके बाद उन्हें मतलब नहीं कि वहां एक्चुअल में घटना क्या हुई थी। तो मैं चाहता हूं कि इस जो ये दुनिया है, साइकिक वर्ल्ड है, एनर्जी की दुनिया है, इसमें मीडिया का सपोर्ट रहे और मीडिया इसकी असलियत को समाज के सामने लाए। जो हम कह देते हैं कि ये अंधविश्वास है, साइकिक कुछ नहीं होता है, लेकिन हकीकत में तो मैं ये देख रहा हूँ कि रोज जब मैं लोगों को ट्रीट करता हूँ, स्पिरिट्स के साथ मेरा रोज वास्ता पड़ता है और उनके साथ मैं डील करता हूँ, उनको मतलब मैं आज़ाद कर देता हूँ, भगा देता हूँ, डरा देता हूँ, सारे काम करता हूँ, तो क्यों ना हम इसको मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने लाएं और लोग समझें कि भाई ये कोई हवा नहीं है, कोई डरावनी चीज़ नहीं है, इसको हम साइंस से बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो एनर्जी की दुनिया है और साइकिक दुनिया है, इसको हम एक नेगेटिव अंदाज में देखते हैं, तंत्र मंत्र या अंधविश्वास, उसी तरीके से जो हमारी ईश्वरीय दुनिया है उसमें भी साइंस है। हम किसी भी ईश्वरीय शक्ति को बाकायदा एक इंटरनेट नेटवर्क की तरह से, वाईफाई की तरह से अपने आप को कनेक्ट करके अपने अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। और अगर हमारे ऊपर कोई साइकिक अटैक आ गया तो इसका मतलब है कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में प्रवेश कर गई है। तो जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस आ जाता है और हम एंटीबायोटिक खा करके उसको निकाल देते हैं, उसी तरीके से जब कोई एनर्जिक वायरस हमारे अंदर आ रहा है तो हमें फिर पॉजिटिविटी की जरूरत है, वो ईश्वर के पास मिलती है। तो हम अगर ईश्वर को साइंटिफिक तरीके से कनेक्ट करें अपने आप को और उसको अपने ऑरा में डाउनलोड करें, तो ये चुटकियों का काम है कि कोई भी बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी चुटकियों में गायब हो जाती है। तो जहां हमें अंधविश्वास वाली इन चीजों को गहराई से समझने की जरूरत है, वहीं कहीं ना कहीं हमें अपनी रियल स्पिरिचुअलिटी को भी समझने की जरूरत है कि भगवान है क्या, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उसको हम अपने अंदर ला सकते हैं। वो बात अलग है कि भाई उसके लिए हमें थोड़े तैयारियां करनी पड़ेंगी, अपने अंदर बहुत सारी गंदगियां हैं उनको हमें निकालना पड़ेगा, ताकि भगवान का मतलब है कि एक पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे अंदर आए तो उसे वहां थोड़ा आने का रास्ता तो मिले। अगर हमने अपने उस रास्ते में गंदगियां अड़ा रखी हैं वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तो वो नहीं आ पाती है, ब्लॉकेज अड़े रहते हैं। तो तैयारियां तो करनी पड़ती हैं, लेकिन इसके पीछे भी अच्छी खासी साइंस है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया श्याम भाई, चलिए श्याम बाबा की जय हो, बहुत अच्छा है, आप इस दिशा में आगे बढ़िए, और अच्छा लगा मतलब जो है आपको सुन के, रियली शुक्रिया।